जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय क्रीम कालिकाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हम अपने बच्चों को संस्कार क्यों नहीं दे रहे हैं? संस्कार नहीं देने की वजह से हमारे बच्चे चरित्रहीन होते जा रहे हैं। संस्कार संस्कृति परंपरा का ज्ञान नहीं देने की वजह से हमारी बच्चियां दूसरे धर्म के लड़कों के साथ में विवाह कर रही है, चाहे वो सिख धर्म में चली जाती, हिंदू धर्म की लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ में भाग जाती है, अपने समाज को छोड़ के दूसरे समाज में विवाह करने लग गई है। और ऐसे ही लड़के लोग तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे कुल देवी देवता की नाराजगी तो महसूस होती ही होती है, साथ ही साथ में भाग्य के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। और पढ़ा लो आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा को एजुकेशन में, को एजुकेशन में पढ़ाने से लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब आप कहेंगे कैसे असर पड़ता है? मान लो एक बालक बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, परंतु एक उम्र के बाद में, एक उम्र के बाद का मतलब हो गया जब लड़की मासिक धर्म से होने लगती है और लड़के के दाढ़ी बाल आने लगते हैं, यानी युवा अवस्था में वो कदम रखते हैं, तब लड़की मासिक धर्म युक्त रहते हुए अपने टिफिन को उस लड़के के साथ में शेयर करती है जो उसका मित्र होता है। बहुत रहस्यमय ज्ञान है, समझने का प्रयास करे हर पालक, हर माता पिता इस बात को सोचे समझे और विचार करिए कि जब एक लड़की मासिक धर्म से होने लगती है तो वह लड़की टिफिन लेकर के अवश्य स्कूल जाती है, और उस स्कूल में उसके टिफिन को उसके दोस्त या सहेली शेयर करते हैं। खाने को, खाने का आदान प्रदान होता है, भोजन का आदान प्रदान होता है, साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो एक लड़का जो 12 साल 13 साल तक बहुत अच्छे से पढ़ता लिखता था, उसका दिमाग तेज था, वह जब उस मासिक धर्म से युक्त लड़की के साथ आए गए खाने का साथ बैठ करके भोजन करता है तो धीरे धीरे उस लड़के का दिमाग कमजोर होता जाता है। अब आप कहेंगे साहब कमजोर क्यों होता जाता है? अपने शास्त्र कहते हैं कि मासिक धर्म से युक्त स्त्री के द्वारा बनाया गया भोजन अशुद्ध होता है, और यदि उस भोजन को कोई स्त्री चाहे खाना न बनाया हो परंतु रजस्वला से युक्त स्त्री, अशुद्ध स्त्री, मासिक धर्म से युक्त स्त्री, एमसी पीरियड से युक्त स्त्री उसको छू भी लेती है तो वह भोजन अशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से अशुद्ध भोजन को वह लड़का स्कूल में अपनी सहेली के साथ खाता है और वहीं से उसका दिमाग कमजोर होना प्रारंभ हो जाता है और लड़की आगे बढ़ने लगती है और वहीं से वशीकरण की स्थिति प्रारंभ हो जाती है।
फिर आप कहते साहब मेरा लड़का बहुत अच्छे से पढ़ता था, पर जैसे जैसे बड़ी क्लास में पहुंचता गया उसका दिमाग कमजोर होता गया, और इसके साथ वाली जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती चली गई, उसके नंबर ज्यादा आते गए। तो इसके पीछे का ये रहस्य है, समझने का प्रयास करें। इसीलिए बच्चे को एजुकेशन में मत भेजिए, और यदि भेजते हो तो उसको ये ज्ञान दीजिए कि जो टिफिन उसको शुद्ध भोजन का बना करके दिया है, सात्विक भोजन बना करके दिया है, वो किसी के साथ शेयर न करे, और नहीं किसी दूसरे का भोजन उसको ग्रहण करना है। अगर ये कर सके तो आपका बच्चा उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा। और यदि बच्चे ने अशुद्ध खाना प्रारंभ कर दिया, अशुद्धता में झूठा पानी पीना चालू कर दिया, अशुद्ध लड़की के भोजन करना प्रारंभ कर दिया, उसके साथ बैठना उठना प्रारंभ कर दिया, तो मान के चलो उसका भाग्य कट जाता है, उसकी विद्या चली जाती है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी, वो आपको भुगतना है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। सोचें, विचारें, मनन करें कि ये जो मैंने प्रश्न उठाया ये कहां तक सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, सोचने समझने के लिए साहस प्रदान करें, और निर्णय लेने के लिए साहस प्रदान करें। मां कामाख्या आद्य शक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी, आपको निरोगी रखे, स्वस्थ रखे, सद्बुद्धि प्रदान करें और उत्तरोत्तर उन्नति प्रदान करें। ऐसी हम मां कामाख्या से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, चाहे आप मानो या न मानो।